वेलकम बैक गाइस दोस्तों तो इस वीडियो में जानेंगे अनारी इज बैक मूवी यानी कि हम सबके चहेते ऑल टाइम फेवरेट बॉलीवुड के डिस्को डांसर और एक्शन किंग जो कि है हम सब की चहेते मिथुन दा की मूवी अनारी इज बैक के डे 5 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे मूवी ने अब तक पिछले 4 दिनों से मूवी ने कितना कलेक्शन किया है और मूवी का कौन सा वर्डिक्ट मिला है। मेरा मतलब है कि मूवी हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पर हिट सुपर हिट या फिर हो चुकी है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। जी हाँ दोस्तों, तो आप भी अगर मिथुन चक्रवर्ती के सच्चे फैन हैं तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों हम सभी को पता है कि अनारी इज बैक एक बेहतरीन मूवी है। मूवी में हम सभी को एक्शन ड्रामा कॉमेडी रोमांस इसके साथ साथ जो है कि इमोशन सीन भी देखने को मिलेंगे। मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। मूवी में हम सभी को न केवल मिथुन चक्रवर्ती बल्कि उनके साथ साथ जो है कि 90 दशक के बोल सकते हैं कि शक्ति कपूर और अनीता राज जैसे बेहतरीन अभिनेता देखने को मिलेंगे जो कि इस मूवी में बोल सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट है। तो दोस्तों मूवी की स्टोरी काफ़ी बेहतरीन है और जिस तरीके से मूवी को रिस्पांस मिला है वो भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मूवी को पेड प्रमोशन न होने की वजह से मूवी को जो है कि ऑडियंस ने उस तरीके से कलेक्शन में जो है कि उछाल देखने को नहीं मिली जितनी कि मिलनी चाहिए, क्योंकि मूवी काफ़ी बढ़िया है लेकिन उस तरीके से बोलते हैं ना कि अगर कोई पेड प्रमोशन नहीं होते हैं तो दोस्तों मूवी चलती नहीं है बॉक्स ऑफिस पर, और ऐसा ही कुछ कुछ देखने को मिल रहा है इस मूवी के साथ भी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी के कलेक्शन की। तो दोस्तों मूवी ने पहले दिन इंडिया सिनेट 9 लाख का कलेक्शन किया था और वहीं दूसरे दिन का कलेक्शन भी कोई ज़्यादा खास नहीं आया, केवल 6 लाख का कलेक्शन जो है कि मूवी ने दूसरे दिन किया था। तीसरे दिन का मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 10 लाख और चौथे दिन का कलेक्शन भी लगभग 10 लाख का था। जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों आज के दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आज है 5वां दिन और आज के दिन मूवी बॉक्स ऑफिस पे थोड़ा सा उछाल दिखा रही है और मूवी आज के दिन लगभग जो है कि 14 लाख का कलेक्शन कर रही है। जी हाँ दोस्तों, जिससे मूवी का कलेक्शन हो जाएगा 50 लाख इंडिया नेट और वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे लगभग 55 लाख का कलेक्शन मूवी कर चुकी होगी। और दोस्तों मूवी का बजट हम सभी को पता है लगभग जो है कि 10 करोड़ है, तो मूवी को हिट होने के लिए 15 करोड़ का कलेक्शन करना होगा, लेकिन जिस तरीके से मूवी बॉक्स ऑफिस पे चल रही है मुझे तो 15 करोड़ का कलेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। बाद बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी जो है कि बॉक्स ऑफिस पे 15 करोड़ का जो उसका कलेक्शन है यानी कि जो बजट है उसका 10 करोड़ क्या उसे रिकवर कर पाएगी या नहीं, अपना कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।